हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के नए एक्साइटिंग टॉपिक पर, जो कि आज एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने चुना कि व्हाई पीपल फेल टू अचीव देयर गोल, व्हाई पीपल फेल टू रीच देयर गोल। तो एक्चुअल में होता क्या है, गोल तो सब सेट कर लेते हैं, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि वो पहुंच नहीं सकते, अपने गोल की तरफ आ नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। क्या हो जाता क्या है कि वो गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे बचपन से एम कुछ कर रहते हैं, मैं पायलट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं यूपीएससी क्रैक करूंगा, मैं आईएएस आईएफएस कुछ भी, मतलब ऑर्नामेंटल जॉब करूंगा। बट विथ टाइम एवरीथिंग फेड्स अवे, व्हाई इट हैपेंस। सो मैं जो समझता हूँ कुछ पॉइंट्स उनको लेके आया हूँ, अगर आप उसको थोड़ा ध्यान दें तो शायद ये आपको मदद कर सके। तो पहला पॉइंट है मेरा, गोल्स आर नॉट स्पेसिफिक। मतलब जो गोल है आपका वो स्पेसिफिक नहीं है। गोल स्पेसिफिक नहीं है का मतलब होता है कि आपने अगर गोल बना दिया डॉक्टर बनना है, तो आपको डॉक्टर आप आज बना दिए एम, मतलब कल नहीं बन जाएंगे डॉक्टर। वो एक तो प्रोसेस है, 10 इयर्स 15 इयर्स का एक तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और वो प्रोसेस को अचीव करने के लिए वो फाइनल टारगेट है आपका कि आपको एक डॉक्टर बनना है। तो आपको स्टार्टिंग से इनिशियली अपने टाइम को वैसे ही आपको सेग्रीगेट करना है, पार्टीशन करना है, आपको शेड्यूल वैसे करना है ताकि वो आपको वही डायरेक्शन में लेते चले जाए। क्योंकि अगर कभी आप फेड अवे हो जाए तो आपको वो याद दिला दे आपका गोल, यस मेरे को वहां पे पहुंचना है। नेक्स्ट, डाउट्स। कभी कभी क्या होता है, अपने गोल के ऊपर सबको डाउट होने लगता है, कभी डाउट्स आ जाते हैं, तो क्या करें तब। डाउट मतलब क्यों, गोल ऐसा होना चाहिए जो आपको डाउट ना है, मेरे को वो चीज पाना है, मेरे को वो चीज वहां पे पहुंचना है, वहां पे आपको डाउट, कोई भी मन में कोई भी प्रकार की पशुपेश नहीं रहनी चाहिए। अगर वो रहा तो भी आप अपने गोल से डाइवर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, नॉट वर्क फॉर इट। मतलब आप अपना गोल की तरफ काम ही नहीं कर रहे। मैंने जैसे बताया कि आपको एक लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना है, तो आपको शॉर्ट टर्म में गोल अचीव करते हुए उनके पास जाना है, तो आप उसके लिए काम कर रहे हैं। अगर आप वही शॉर्ट टर्म गोल अचीव करना छोड़ देंगे, टाइम चला जाएगा, और वो टाइम भी आके पहुंच जाएंगे जहां पे आपको पहुंचना था। वो टाइम तक 25 साल तक, 28 साल तक आपको डॉक्टर हो जाना था सपोज, तो आप 28 साल में पहुंच गए, लेकिन आपने वो छोटा 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 टारगेट आपका अचीव ही नहीं किया, तो आप कहाँ पे गोल पे जाके पहुंचेंगे। वो होता है गोल पे ना पहुंचने का एक रीजन, नॉट मोटिवेटिंग। यस, गोल ऐसा होना चाहिए जो आपको कंटिन्यूअसली मोटिवेट करते रहे। रामायण में हुआ क्या था, राम जी को जाके लंका से रावण के चुंगल से सीता जी को लेके आना था, दैट वॉज हिज गोल, दैट वॉज हिज एम। सो फॉर दैट ही हैड टू मेक सो मेनी स्मॉल स्मॉल गोल्स, ही हैड टू मेक फ्रेंडशिप, ही हैड टू अचीव देयर स्मॉल स्मॉल गोल्स। वो सबको अचीव किए, अपना गोल को उनके अंदर वो ट्रांसफर किए, उनको समझाए कि ये करना है हमको, ये बड़ा गोल है हमारा। तो वो गोल वो वानर सेना को भी मोटिवेट करने लगा अंदर से, यस हमको ये गोल अचीव करना है, तो ये हमको जाके माता को लाना है। दैट्स व्हाट शुड बी मोटिवेटिंग, द गोल शुड बी मोटिवेटिंग, गोल ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट बोलते हैं नॉट कमिटेड। आपने गोल बना दिया, शेड्यूल कर दिया, लेकिन हर दिन का जो टू डू लिस्ट है उसको शेड्यूल बोला जाता है, जो हर दिन का टू डू लिस्ट है उसको आपने अचीव नहीं किया, क्योंकि आपका कमिटमेंट नहीं है। आप खुद को, आप वो प्रॉमिस जो खुद को करना था वो आपने किया नहीं, वो भूल गए, दैट इज नॉट कमिटेड। आप हर वक्त अपने काम के लिए, अपने गोल के लिए शुड बी कमिटेड, अदरवाइज यू विल फेल टू अचीव द गोल। नेक्स्ट बताते हैं डू नॉट फोकस। गोल ऐसा होना चाहिए जो आपको कंटिन्यूस हेल्प करे फोकस करने में, ऐसा होना चाहिए कि, और आपको भी खुद को याद रखना चाहिए कि हाँ मेरे को गोल है, वो मेरे को शॉर्ट टर्म में फोकस करना है, डेली आउट ऑफ फोकस होंगे फिर आपको फोकस में आना है,
आउट ऑफ फोकस होंगे. गोल शुड बी मोटिवेटिंग, विच विल हेल्प यू टू फोकस. आपको वो हेल्प करेगा फोकस करने के लिए, यस मेरे को ये करना है. हर दिन में आप हर दिन में कंटिन्यूस फोकस नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज आप याद रख सकते हैं, मेरे को वहां पे पहुंचना है तो वहां तक. सपोज आपको एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना है, तो हर दिन में आप एक दिन में एवरेस्ट नहीं चढ़ जाएंगे अगर पैरों से जा रहे हैं, तो हर दिन में आपको टारगेट करना है, यस मेरे को यहाँ पे पहुंचना है. आपको फोकस करना है, क्योंकि उस बीच आप थकेंगे, आप खुद ना खुद बहुत ज्यादा थकेंगे. आपका बॉडी आपका साथ देना छोड़ देगा, क्योंकि इतना ज्यादा टेम्परेचर वहां पे कम रहता है, इतना ठंडा रहता है. तो हर दिन वो आपको फोकस करना है, यस मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ से स्लिप कर रहा है. तो कुछ ना कुछ करके आप अपना फोकस को बना के रखना है. यू शुड नॉट लूज योर फोकस. नेक्स्ट बताते हैं, डू नॉट नो हाउ टू हैंडल फेल्योर. यस ये तो सबसे बड़ा चीज है. फोकस कर लिए, एम कर लिए, सब कुछ कर लिए, क्या हुआ, जो प्लानिंग किए थे पूरा गड़बड़ हो गया, उसमें फेल हो गए. वो प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले ही कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो क्या हुआ, अब नहीं बढ़ सकते हम आगे, ये यहां पे नहीं जा सकते, ऐसे नहीं कर सकते. दैट इज द प्रेशर ऑफ नॉट हैंडलिंग योर फेल्योर. यस आपको फिर से रीप्लान करना है, रीशेड्यूल करना है, फिर से आपको देखना है कहां पे अपने प्लानिंग में गलती हुआ. यस यू हैव टू एक्सेप्ट योर फेल्योर एंड यू हैव टू कम बैक वेरी वेरी. आपको बहुत ज्यादा कम बैक करना है, बहुत ज्यादा पावरफुल बन के, बहुत ज्यादा फोकस्ड बन के, वेरी वेरी फोकस्ड यू हैव टू बिकम एंड देन यू हैव टू कम बैक, रिटर्न बैक, यू हैव टू बाउंस बैक. नेक्स्ट, बहुत समय में क्या होता है, गेट डिस्ट्रैक्टेड. मतलब नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है, कोई डिस्ट्रैक्शन होने लगता है आपका. सपोज एम है कहीं पे जाना, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. क्यों, आपको कंटिन्यूस फेल्यूर हुआ है, क्यों आपको कंटिन्यूस मतलब डाउट होना चालू हो गया है, आप फोकस नहीं कर रहे हैं अपने गोल पर, आप अपना मोटिवेटिंग, आपका गोल उतना मोटिवेटिंग नहीं रहा, तो इसीलिए क्या हुआ, आपका अपना फोकस से दूसरे के फोकस में चला गया, तो वो हुआ डिस्ट्रैक्शन. दूसरे का एम है वो, मैं मेरे को डॉक्टर बनना है, लेकिन वो ऐसे बन के वो आगे बढ़ रहा है, वो अगर आगे बढ़ सकता है मैं क्यों ना बढ़ सकूं. भाई आपने अपना हुनर, अपना एम खुद सेट किया था, किसी को नहीं पूछा था, तब अब वो बढ़ रहा है. आप एक चीज मैं आपको बता दूं, हर चीज आप कोई भी चीज को अच्छा से करिए तो निश्चित ही आप सक्सेसफुल बनेंगे, बहुत ही अच्छा से. आपको खुद को नहीं ठगना है, खुद के लिए कर रहे हैं वैसे सोच के करेंगे तो आप हर चीज में आगे बढ़ेंगे. तो आपने अपना एम गवा लिया, आप अपना गोल खोलिए, तो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड. नेक्स्ट, गिव अप सून, वही होता है, ये मेरा लास्ट पॉइंट है, गिव अप सून. कुछ हो ना हो, फेल हो गए, आगे नहीं बढ़ सके, अब चलो ये डॉक्टर नहीं बनेंगे, कलेक्टर बन जाएंगे, चलो कलेक्टर नहीं बनेंगे और कुछ बन जाएंगे. फाइनली क्या हुआ, आप बन गए आगे और कहीं जगह में, प्राइवेट में नौकरी करने लगे. प्राइवेट में भी आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको हर दिन का शेड्यूल करना पड़ेगा. आपका बॉस से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, आपके सीनियर से कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, उसको भी आपको हैंडल करना पड़ेगा. देन ऑल्सो अगर वहाँ पे भी इफ़ यू स्टार्ट गिविंग अप द थिंग्स, देन नथिंग विल बी देयर विच विल बी हेल्पिंग यू, विच विल बी मोटिवेटिंग. फाइनली आपको फेल्यूर होना ही होना है. यू विल बी कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्टेड एंड यू विल बी कम्प्लीटली लॉस्ट आउट ऑफ योर वे टूवर्ड्स योर गोल, ये हो जाएगा. तो आपको हमेशा ये पॉइंट्स से दूर रहना है. ये अगर ये पॉइंट्स आप दूर रहेंगे, सो देन आई कैन थिंक, आई मे इवन अश्योर यू दैट इन सम वे और अदर यू विल बी सक्सेसफुल इन अचीविंग एटलीस्ट 90% ऑफ योर गोल. 90% तो नहीं, मैं आपको बोलूंगा आप 100% गोल के लिए अचीव करने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि आपको टू डू लिस्ट में डेली बेसिस में आपको अपना टू डू लिस्ट को अचीव करना है, आपका अपना खुद का शेड्यूल को अचीव करना है. सो विद दिस, अगर आई हैव एडेड एनी वैल्यूज टू योर लाइफ, देन काइंडली कमेंट एंड डू विजिट माई डिस्क्रिप्शन सेक्शन. थैंक यू.